और फ्रेंड्स यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए आप लोगों का यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है लिए जाएंगे। तो आखिर जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा पोस्ट पे ये वैकेंसी पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है, आप लोग इसमें ज़रूर आवेदन करें। इसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा और कितनी सैलरी आप लोगों को इस इन पदों के लिए दी जाएगी, पूरा फुल डिस्कशन आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक वॉच करना है, ताकि आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पूरा फुल डिटेल में जानकारी मिल सके। अगर आप लोग ऐसी वैकेंसी की अपडेट पाना चाहते हैं और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को बिहार की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट इसी तरह मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नोटिफिकेशन पर और नोटिफिकेशन को पूरा देखते हैं कि आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है। हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो सबसे पहले इसके डेट के बारे में जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर क्या रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है डेट ऑफ आप लोगों का सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों का 31/5/2024 से शुरू होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है इस फॉर्म के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 31/5/2024 से यहाँ पे अप्लाई जो है स्टार्ट है। आप लोगों का यहाँ पे लास्ट डेट जो है 30/6/2024 है और आप लोगों का जो है लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आप लोग जो आवेदन करेंगे उसका अंतिम तिथि पेमेंट करने का 2/7/2024 है। तो आप लोगों का यहाँ पे आवेदन शुरू है इन पदों के लिए। तो आइए फुल डिटेल में आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे दो पदों के लिए वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम जो है यहाँ पे प्रूफ रीडर का यहाँ पे वैकेंसी है। तो इन दो पदों के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी जो है यहाँ पे निकाली गई है आप लोगों को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो पदों के लिए वैकेंसी है और आप लोगों का टोटल जो है यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज जो है सीट देख सकते हैं कि आप लोगों का EWS, SC/ST, EBC, BC और अनरिजर्व के टोटल जो है यहाँ पे कितनी कितनी सीटें, और टोटल यहाँ पे 60 सीटों पर ये वैकेंसी जो है होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए यहाँ पे टोटल जो है 20 पोस्ट जो यहाँ पे रखे गए हैं। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 80 पदों पे वैकेंसी जो है होने वाली है। और यहाँ पे ऊपर करेंगे साथ ही इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है। उसके बाद यहाँ पर जो है किन किन चीज़ों का यहाँ पे बहुत सारी एज लिमिट बताई गई है। आप लोग यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को एज लिमिट के बारे में बताया गया है। कैटेगरी वाइज आप लोगों को एज लिमिट यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आप लोगों का अनरिजर्व जो है वो 37 ईयर्स यहाँ पे बताया गया है। डेट आप लोग देख सकते हैं 2/1/1987 उनका जो है अर्ली देन होना चाहिए। और यहाँ पे EWS के लिए 40 ईयर्स है, BC के लिए 40 ईयर्स है, SC/ST के लिए 42 ईयर्स है, और यहाँ पे जो है डिजिबिलिटी या अनरिजर्व से आते हैं उसके लिए 47 यहाँ पे रखा गया है। आप लोग अच्छे से इसको नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे, साथ ही साथ जितने भी इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। और यहाँ पे आप लोग इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है कम से कम 6 मंथ का यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों का, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट से यहाँ पे आप लोगों का 6 मंथ का डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से इस नोटिफिकेशन पे पहले आएंगे और यहाँ पे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आरक्षण दिया गया है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से यहाँ पे कैटेगरी को कितना परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे में आप लोगों को यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार आप लोगों का किया जाएगा उसके बारे में भी यहां पे बताया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जो है आप लोगों का मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है। सबसे पहले आप लोगों का रिटेन टेस्ट होने वाला है, दूसरा आप लोगों का यहां पे कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है, और तीसरा आप लोगों का यहाँ पर जो है इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो रखा गया वो 40% आप लोगों का रिटेन टेस्ट में आप लोगों को लाना होगा, दूसरा आप लोगों को कंप्यूटर टेस्ट में भी 40%, और यहाँ पे इंटरव्यू में आप लोगों को 30% जो है यहाँ पे मार्क्स लाना होगा, तभी आप लोग इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके सिलेबस के लिए आप लोगों को जो है Annexure 1 बताया गया है, और यहाँ पर आप लोग कैटेगरी वाइज अमाउंट देख सकते हैं कि आप लोगों का यहाँ पर जो एग्जामिनेशन जो फॉर्म का जो आप लोगों का फी लगने वाला है वो आप लोगों का
जो है अनरिजर्व बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 1100 और एससी एसटी का यहाँ पे 550 रुपये आप लोगों को लगने वाला है। इसके सिलेबस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग जो है कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम आप लोगों को इसका सिलेबस के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाला है और कैसे आप लोग इसका तैयारी करेंगे, उसके बारे में आगे आप लोगों को वीडियो मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।